हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल इड्यू 360% में आयुष सर के साथ। तो जैसे कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज का जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो वोल्टेज सोर्स जो हमारा होता है, वोल्टेज सोर्स, उसको हम किस चीज में चेंज करेंगे, चेंज इनटू करेंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम लोग करेंट सोर्स में, वोल्टेज सोर्स को करेंट सोर्स में बदलेंगे। तो देखिए वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो वोल्टेज सोर्स ई रहा हम लोगों का, ई दिया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये इसका रहा इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ई रहा इसके दोनों टर्मिनल ए, और ई रहा बी, ई है 20 वोल्ट का, ई है 20 वोल्ट का, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हमें चेंज करना है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज बदलने के लिए सबसे पहले दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए, टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वो टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। दोनों टर्मिनल को हमने किया क्या कि शॉर्ट कर दिया। अब देखिए ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो 2 ओम का है और ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलने के लिए पहले इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं दूसरा पॉइंट कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस की हेल्प से हम करंट का वैल्यू निकाल देते हैं। वोल्टेज और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की हेल्प से हम करंट का वैल्यू फाइंड करते हैं ये देखिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाय R। तो I और V कितना है, 20 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो हमारी करंट आ जाएगी वो 10 एम्पियर। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। लिखिए सीबीएसई बोर्ड वाले साथी इसको, इसके बाद वी फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट बाय हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए करंट की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप में हम जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड है उसको हम करंट सोर्स के पैरेलल में कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है
सीरीज में कनेक्ट होता है, करंट सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, सॉरी जो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है उसको उसको करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जब ये अब हमारा बन गया करंट सोर्स हो गया, इसके वजह से इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रहा है। अब ये जो हमारा इंटरनल इसका आंतरिक प्रतिरोध जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड था वो इसके अब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा 2 ओम का, और ये हमारा टर्मिनल का है शॉर्ट है, ये हमारा टर्मिनल का है शॉर्ट है। तो इस तरह हमने किया क्या कि वोल्टेज सोर्स को करेंट सोर्स में बदल दिया, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल दिया। ये वाला साथी हमारे सीबीएसई बोर्ड वाला लिखे, विच एवर वोल्टेज सोर्स वाज कनेक्टेड इन, देखिए सॉरी लिखिए अब से, द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स, द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स दैट इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ करेंट सोर्स। ऐसे हमने वोल्टेज सोर्स को क्या किया, करेंट सोर्स में बदल दिया। अब देखिए जो अगला टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं इसी में, वो कहां पढ़ने वाले हैं विनोद वो पढ़ने वाले हैं का कि करेंट सोर्स चेंज इनटू वोल्टेज सोर्स, कि करेंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कैसे बदले। तो ये हमारा पहले जो करेंट सोर्स था ये हमने ऐसे बना लिया, पहले जो करेंट सोर्स था इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया गया था, इसमें 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही थी और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर था 2 ओम का, इसके दोनों टर्मिनल को हमने शॉर्ट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करेंगे क्या कि जो करेंट सोर्स है हमारा उसको वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए, पहले जो हमने किया का था दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया था उसको शॉर्ट से हटा करके और ओपन कर देंगे। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि करेंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करने के लिए दोनों टर्मिनल को ओपन कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा करेंट सोर्स था इसमें फ्लो हो रही थी 10 एम्पियर की धारा, इसके दोनों टर्मिनल को हमने किया क्या, ओपन कर दिया, पहला काम हमने ये किया। अब दूसरा इसमें करेंगे क्या कि जो दूसरा पॉइंट है इसमें करंट और प्रतिरोध के हेल्प से, धारा और प्रतिरोध की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, वोल्टेज का वैल्यू। तो यही लिखेंगे अब धारा और प्रतिरोध की मदद से हम क्या करेंगे, वोल्टेज का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए वोल्टेज को क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
देखिए वोल्टेज आई दिया है इसमें 10 एम्पियर और आर दिया है 2 ओम, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो अब हमें करना क्या है कि वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, 10 एम्पियर की धारा है, 2 ओम का प्रतिरोध है, तो वोल्टेज हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट। तो हमारा वोल्टेज का आ जाएगा 20 वोल्ट। तो अब देखिए जो हमारा वोल्टेज था वो हो गया 20 वोल्ट, ये दोनों टर्मिनल ओपन था, ये हो गया 20 वोल्ट, ये प्लस और ये माइनस, और ये आर है 2 ओम का, ये आर है 2 ओम का। अब हमें क्या करना है, तो ठीक हम वही कर रहे हैं उल्टा, जो हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदले थे ठीक उसी के उल्टा हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के करंट सोर्स के पैरेलल में जुड़ा है उसे अब वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जोड़ देंगे, तो जो प्रतिरोध करंट सोर्स के पैरेलल में जुड़ा है उसको वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स फाइंड हो जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड वाले साथी ऐसे एक पॉइंट लिख, पहले ई बनाए, इसके बाद एक पॉइंट लिखे, उसके बाद क्या किए हैं ऊ बनाए, फिर एक पॉइंट लिखे, इसके बाद कैलकुलेशन लिखे, फिर एक पॉइंट लिखे, इसके बाद ई लिखे, ई बनाए, और इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आप जब भी कॉपी को खोलेंगे ना इसे, तो तुरंत याद आ जाएगा। हम एक ही पे समझा दिए रहते हैं, इसे मिटा के कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है, समय बचा के क्या करेंगे भैया। हम इसके बाद एक और टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे, वीडियो एकदम छोटा रहेगा। कल से पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी के बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस हमारे साथ ही लिखे सीबीएसई बोर्ड वाले, इसको देश हेडिंग तो सेम ही रहेगा, टू चेंज करेंट सोर्स इंटू वोल्टेज सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन सर्किट बोथ द टर्मिनल। दूसरा पॉइंट लिखिए, we will find the value of voltage with the help of current and resistance। थर्ड पॉइंट लिखिएगा कि the resistance which connected in parallel with current source, in parallel with current source, we connect that resistance in series with voltage source। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको बीओटी ऐसे शॉर्ट में बीओटी से लिखते हैं। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है क्या, पहली बात तो हमारे यहाँ आती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है क्या, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे इसमें कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट एनर्जी मेजर करने का एक यूनिट होता है। एनर्जी
मेजर मापने का एनर्जी मापने का एक इकाई होता है, यूनिट होता है, यूनिट होता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट एनर्जी मापने का क्या होता है, एक इकाई होता है। यदि हम एक यूनिट एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि एक यूनिट एनर्जी हमने यूज कर लिया। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का यूज यानी उपयोग मतलब एक यूनिट एनर्जी का खपत। एक यूनिट एनर्जी का हमने क्या कर लेते हैं, हमने खपत कर लेते हैं। यदि हम और एक यूनिट किसको कहते हैं, हम किसको कहते हैं भैया, तो यदि हम एक किलोवाट एनर्जी, यदि हम एक किलोवाट ऊर्जा एक घंटे यानी एक हावर में खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसे एक यूनिट कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है भैया, एक यूनिट कहा जाता है, एक यूनिट कहा जाता है। इसके बाद हम करेंगे क्या कि कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे, बेसिक फॉर्मूले होंगे, आपको याद कर लेना है, आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जब ऐसे तो नॉर्मल आपको याद ही रहना चाहिए, लेकिन जेईई और ईएन के एग्जामिनेशन में भी छोटे छोटे पॉइंट वहां से उठा दिए जाते हैं। तो चलिए सीबीएसई बोर्ड वाले साथ ही लिखे, इट इज यूनिट टू मेजर एनर्जी। वी आल्सो कॉल्ड वन बोट इज इक्वल टू वन यूनिट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इफ वी कंज्यूम वन किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वन हावर देन इट इज कॉल्ड वन यूनिट। पूरा का पूरा तीनों पॉइंट था इस टॉपिक का, वो आपने याद कर लिया है। अब देखिए हमने कुछ दो या तीन फॉर्मूले लिखवाना है, वो दो तीन फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। पहला है कि वन किलो वाट हावर को वन यूनिट कहा जाता है। वन किलो वाट हावर को क्या कहा जाता है, वन यूनिट कहा जाता है। सारे साथी इसको लिखें साथ ही साथ, वन किलो वाट हावर को वन यूनिट कहा जाता है। और वन किलो वाट हावर में 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होता है। 3.6 × 10⁶ जूल का होता है भैया ऊर्जा होता है। और 1 किलोवाट में अगर हम ऐसे कहें कि 1 किलोवाट में कितना होता है भैया, तो हम कह देंगे 860 कैलोरी, 860 किलो कैलोरी। 860 का होता है किलो कैलोरी, 1 किलोवाट में कितना होता है 860 किलो कैलोरी। और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। तो हमारे सारे साथी इसको लिखे, आज का ये वीडियो एकदम छोटा होने वाला है, यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगले में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी, क्या पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया नेटवर्क थ्योरी, जिसमें थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम, फिर उसमें पढ़ेंगे हम बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे, थेवेनिन्स थ्योरम, फलाना थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर
और बाय बाय। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।